कैसे कैसे एक्शन सीन्स होंगे मूवी में, सिर्फ एक्शन स्टंट के लिए कितने करोड़ का खर्चा कर रहे हैं मेकर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में एक मूवी के लिए हाथ मिलाया है, जिसके बाद से इस जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर साथ देखने के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जल्दी निर्देशक अली अब्बास जफर की मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में साथ दिखने वाले हैं। इस मूवी को निर्माता निर्देशक बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी में है, जिसकी वजह से मूवी में कई अनएक्सपेक्टेड एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। इन एक्शन सीन्स को विशाल स्तर पर दर्शाने के लिए मेकर्स ने मूवी के लिए अच्छा खासा मोटा बजट भी रखा है। सामने आ रही खबरों की माने तो इस मूवी को बनाने में मेकर्स ने कई करोड़ का बजट रखा है, जिसकी वजह से ये मूवी हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी एक्शन मूवी बनने वाली है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की इस मेगा बजट मूवी के लिए निर्माताओं ने सिर्फ एक्शन सीन्स के लिए 120 करोड़ रुपए की मोटी रकम रखी है। इसके साथ ही ये एक्टर अक्षय कुमार की फिल्मी करियर की सबसे महंगी मूवी होने वाली है। अकेले मूवी के लीड स्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी पर ही मेकर्स करीब 200 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाले हैं। इसके बाद मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशनल इवेंट्स के खर्च मिलकर इस मूवी का कुल बजट करीब 350 करोड़ रुपए होने वाला है। ऐसे में ये मूवी अक्षय कुमार के करियर की सबसे महंगी मूवी बनेगी। चर्चा थी कि मूवी स्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ये मूवी साल 1999 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन गोविंदा स्टार इन मूवी की रीमेक है। हालांकि ये किसी मूवी की रीमेक नहीं है, बल्कि एक फ्रेश आइडिया है, जिसमें मेकर्स टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार दोनों की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए एक्शन सीन्स दर्शाने की तैयारी में है। मूवी अभी भी प्री प्रोडक्शन फेज में है। वेल दर्शकों, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आओ बस हम बड़े एक मेहरबानी करिए, वीडियो को जाते जाते लाइक करिए और शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।